जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, अब बीएड आपका 1 साल का होगा, लेकिन 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 किसके लिए होगा, कब से होगा और ये बात कितनी सच है, एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं बीएड के बारे में, बीएड में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, बीएड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यदि आपका टीचर बनने का सपना है तो बच्चे को क्या करना होता है, बीएड करना होता है। यदि आप 10th या 12th लेवल तक का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बीएड करेंगे। अभी जो बीएड होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो आपका 2 ईयर का बीएड कराया जाता है। यदि आप डिस्टेंस से करते हैं तो आपका एक अलग केस है कि आपका 3 ईयर का बीएड किया जाता है, वो भी बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस में बीएड कराते हैं। 2014 से पहले की यदि हम बात करें तो वहां पर आपका जो बीएड चलता था वो आपका चलता था 1 साल का, तब 1 साल का बीएड कराया जाता था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, या नई शिक्षा नीति हम यूं कहें बनी है, 2020 से नई शिक्षा नीति को जो गठन किया गया था, अब उसके तहत बीएड को 1 वर्ष का किया जा रहा है। उसके लिए नई कमेटी का गठन किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स कंटेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपका 6 सदस्य की कमेटी का गठन किया गया है। उसमें जो आपका हेड है उस कमेटी की, वो है आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर उस कमेटी के हेड हैं। उसके तहत अब 1 साल का जो कोर्स कंटेंट होगा, कोर्स मॉड्यूल होगा, उसको तैयार किया जा रहा है कि आपकी जो बीएड है 2022 के सेशन से हो सकता है पूरा 1 साल का ही हो, यानी कि पूरा 2022 से ही इसको लागू कर दिया जाए। पूरा मॉड्यूल तैयार हो रहा है, फरवरी तक ये मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। उसके बाद में कोर्स मॉड्यूल तैयार होने के बाद में अब आपका ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा एनसीटीई की तरफ से कि जो आपका बीएड है वो 1 साल का रहने वाला है। अब बच्चों के यहाँ पे भी क्वेश्चन होंगे कि क्या सर हमारी इस यूनिवर्सिटी में 1 साल का होगा, नहीं होगा, 2 साल का होगा? तो साथियों, जो बीएड आपका 1 साल का लागू किया जाएगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए किया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए होगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी के लिए जो आपका बीएड किया जाएगा वो आपका 1 ईयर का किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चे और भी पूछेंगे कि सर यूजी के बाद में 1 साल का होगा या पीजी के बाद में होगा? तो साथियों, फिर यूजी हो या फिर पीजी हो, दोनों के बाद में ही आपका इसको 1 साल का किया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। तो आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे ही इस पर मोहर लगेगी, यानी कि पूरा 99% ये है कि 2022 से आपका 1 साल का होने जा रहा है। 1 साल का तो होना है, अगर किसी कारणवश 0.0001% इस बार लागू नहीं होता है तो 2023 से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन चांसेस यही है कि 99.99% आपका ये 2022 से ही लागू हो जाएगा कि आपका जो बीएड होगा वो 1 साल का होगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।